हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही जो 6 पार्ट था, हमने किसकी किसकी बात कर ली है, फिजन की बात कर ली है, फिजन में किसकी किसकी बात की थी, बाइनरी फिजन की और मल्टीपल फिजन की, फिर हमने किसकी बात की थी, बडिंग की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे जो बचे हुए हमारे स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे ये स्पोर क्या होता है। तो स्पोर क्या होता है, स्पोर आर द एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट जिसके चारों तरफ क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है। स्पोर क्या है कि माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी विच आर कवर्ड बाई अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवर। वो कवर्ड क्यों होता है, जब हमने मल्टीपल फिजन भी पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि वहां पे वो सिस्ट से कवर रहता था। कवर कब रहता था, अनफेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलता था तो वो क्या होता था, प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होता था। लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। सेम वैसा ही हमारा यहाँ भी है स्पोर फॉर्मेशन में, कि यहाँ भी उस स्पोर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल लेयर होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। जैसे अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा मान लो कि ये कोई हमारा एक प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर ये क्या है, हमारा एक स्पोर है, ठीक, स्पोर है ये, और इस ये जो पैकेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। वो जो पूरा एक ये वाला पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होता है कुछ ऐसे। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये क्या हो गए, हमारे स्पोर हो गए। और इस स्पोरेंजिया के चारों तरफ क्या है, हमारा ये आउटर कवरिंग है, ठीक। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ना, तब क्या होगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जो हमारा स्पोरेंजियम है ना, ये क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, टूट जाएगा। और इसके अंदर जो हमारे क्या है, स्पोर्स है, वो क्या है, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकल के क्या, जर्मिनेट कर देंगे, एक ये नया प्लांट को जर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो ये स्पोर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, क्या देने के लिए, एक नया प्लांट देने के लिए। ये प्रोसेस होता कैसे, जो मैंने ये डायग्राम में लिख के आपको समझाया ना, सेम चीज मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है टाइम बचाने के लिए, क्या कि स्पोरेंजियम बस्ट करता है, मतलब ये जो गोल वाला पार्ट ये क्या है, स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम बस्ट करता है तो उससे स्पोर्स क्या है, बाहर निकल जाते, जैसे मैंने यहाँ पे स्पोर्स को बाहर निकाला है। फिर स्पोर्स बाहर निकलने के बाद से जमीन पे आ जाते हैं, ठीक, कब, फेवरेबल कंडीशन में। साफ साफ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मल्टीपल फ्यूजन हो चाहे स्पोर फॉर्मेशन हो, दोनों जगह पे अनफेवरेबल कंडीशन में एक प्रोटेक्टिव वॉल लेयर डेवलप हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो प्रोटेक्टिव वॉल लेयर ब्रेक कर जाता है और उसके अंदर स्पोर जो है वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं और जर्मिनेट कर देते हैं, क्या, एक नया प्लांट। तो फेवरेबल कंडीशन में लैंड हुआ और फिर क्या है, जर्मिनेट कर दिया एक नया प्लांट। तो बात आती है कि ये स्पोर फॉर्मेशन शो कौन करता है, सॉरी शो कौन करता है, क्या यूनिसेलुलर शो करते हैं या फिर मल्टीसेलुलर शो करते हैं। तो आंसर होगा दोनों शो करते हैं, कौन कौन, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी, ठीक। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, जितने हमारे फंगस और टेरिडोफाइटा वगैरह है ना, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। फेमस एग्जांपल इसका क्या है, राइजोपस, जिसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। दूसरा है म्यूकर, तीसरा है फर्न और चौथा है मोजेस। जितना बोर्ड पे लिखा है इससे ज्यादा आपको स्पोर फॉर्मेशन में जानने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, रीजनरेशन के बारे में। जैसा हमने क्या है फ्यूजन में पढ़ा था कि उस एक बॉडी पार्ट ऐसे होता था, ये एक बॉडी पार्ट होता था और वो दो पार्ट में ब्रेक करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म दे रहा था, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे, लेकिन वहां पे कौन दे रहे थे, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, रीजनरेशन की। रीजनरेशन में भी क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये कोई क्या है, एक बॉडी है और ये क्या करेगा ना, अपने आप को ब्रेक कर देगा। मान लो ये ब्रेक किया कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में ब्रेक कर गया, कितने हिस्सों में, ये ब्रेक किया कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में।
और ये तीनों के तीनों क्या देंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म, क्या देंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म। इससे भी बन जाएगा हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म और इससे भी बन जाएगा हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म। तो कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि हमारा जनरेशन क्या है, तो क्या बोलोगे कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म बाई, कैसे वो अपने आप को ब्रेक करके रिजनरेशन के थ्रू लाएंगे। रिजनरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक सेल है, कोई एक सेल है और इसी सेल से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाना। जैसे हमारा हाथ, ये जो हैंड है, कभी मान लो छिल गया या फिर कट गया तो ऐसे लाइनिंग हो जाता है ना, फिर कुछ दिन बाद क्या है कि वो लाइनिंग ढक जाता है स्किन से। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे स्किन के पास क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी है। तो स्किन अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही कंडीशन होगा कि अपने बॉडी पार्ट से वो क्या कर लेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म लाएंगे। किसके हेल्प से, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात आती है कि इनका एग्जांपल क्या होगा, तो जैसे हमने हाइड्रा का एग्जांपल बर्डिंग में पढ़ा था, बर्डिंग में भी क्या हो रहा था कि एक हाइड्रा था ऐसे, उसके अंदर से एक क्या निकल रहा था, ऐसे बर्ड निकल रहा था। फिर ये बर्ड आगे जाके क्या कर रहा था कि एक फुल हाइड्रा को शो कर रहा था, टेंटिकल्स थे, ठीक, शो कर रहा था। वहां भी कर रहा था कि एक बॉडी पार्ट था, बर्ड क्या था, एक हमारा आउट ग्रोथ था। यहाँ पे क्या है कि कोई आउट ग्रोथ नहीं होगा, डायरेक्टली अपने आप को ऐसे, मान लो ये मैंने तीन हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ये शो कौन करता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है। याद रखिएगा, हर जगह क्वेश्चन पूछता है क्या कि प्लेनेरिया के पास हाई रिजनरेशन पावर होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी के पास रीजनरेशन का पावर होता है तो वो किसके पास होता है, प्लेनेरिया के पास होता है। प्लेनेरिया के बारे में एक और खास बात क्या कि ये सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ से आपका दो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अगर आप इलेवेंथ का एंट्रेंस देने जाएंगे तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि हाई पावर ऑफ रीजनरेशन भी है और सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। प्लेनेरिया को और भी क्या बोलते हैं हम, ये फ्लेटवॉर्म का एग्जांपल है। जब आप इलेवेंथ में जाओगे तो वहां पढ़ोगे फ्लेटवॉर्म्स, उनका एग्जांपल है ये कौन, प्लेनेरिया। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और फिर क्या हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा के लिए मैंने क्या लिख रखा है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो पहले से लिख के रख चुका हूँ। मैंने क्या बोला कि कट हो जाते हैं, अपने आप को काट लेते हैं, कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड ग्रो एज अ ऑर्गेनिज्म। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो कट होके नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मान लो कि ये हमारा एक ये पार्ट कट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये जो सेल है हमारा, ये सेल अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा, और जब ग्रोथ होगा तो इसमें डेवलपमेंट भी होगा। तो ये किसके प्रोसेस से होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से होता है। तो बात ये है यार कि ये बस सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही क्यों होता है, ये क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे तो बस सेल है, सेल से ये सब रिजनरेट हो गए। हमारे बॉडी में क्या है यार, सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो सोचो यार कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारे अंदर। तुम्हें लगता है कि कोई सेल, क्या तुम्हारा हार्ट अगर वो कुछ फ्रैक्चर हो जाए हार्ट में, तो वो अपने आप को रिजनरेट करके दूसरा बना लेता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डजंट शो रीजनरेशन। लिख रखा है मैंने, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी। क्यों, क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फिर मैं बोल दूंगा रीजनरेशन के बारे में, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है यार, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना कि एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ब्रेक कर जाता है टू या टू से अधिक पार्ट्स में, और वो एक क्या बनाता है, जो टूटा हुआ पार्ट है क्या बनाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो बात आती है कि ये जो मैच्योर जो
क्या बोलते हैं इसको, ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इस फ्रेगमेंटेशन में जो सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल जो ब्रेक कर रहा है वो कब ब्रेक करेगा, अपने यंग स्टेज में या फिर अपने मैच्योर स्टेज में? तो ये जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जब अपने मैच्योर स्टेज में होगा ना, तो अपने आप को ब्रेक कर लेगा किसमें, स्मॉल पीसेस में, और वो स्मॉल पीसेस क्या देंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म देंगे। कहाँ पे अकर करेगा ये फ्रेगमेंटेशन? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज प्लांट्स में अकर करेगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? सी एनिमोन और स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा एक प्लांट है और क्या फिलामेंटस अलगे भी है, और हमारा सी एनिमोन क्या है, एक मराइन एनिमल है। ठीक, मैंने लिख रखा है सारी की सारी बातें कि क्या है स्पाइरोगेरा हमारा एक प्लांट है और ग्रीन फिलामेंटस अलगे भी है, रहता कहाँ पे है, पोंड एंड लेक्स में, लेकिन हमारा सी एनिमोन क्या है, मराइन एनिमल्स। मराइन एनिमल मतलब क्या है कि ये ओशियंस में रहता है। अब बात आती है यार कि ये फीजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, कोई पूछ सकता है आपसे, आपके एग्जाम में वन मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आप क्या बोलोगे कि फीजन किसमें होता है, यूनिसेलुलर में, और फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, मल्टी सेलुलर में। याद रखिएगा रीजनरेशन भी क्या था, मल्टी सेलुलर में हो रहा था। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या था, प्लेवेरिया था। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लो यार कि ये कोई हमारा एक स्पाइरो वगैरह है, क्या है ये हमारा स्पाइरोगेरा है, ऐसे कुछ करके इसमें डायग्राम होता है। ये क्या करता है ना, अपने आप को ब्रेक कर लेता है, ऐसे मान लो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ठीक, और ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म दे देगा, इससे भी एक हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, और इससे भी हमारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ये कौन सा है, मैच्योर स्पाइरोगेरा। याद रखना है ये बात, कब ब्रेक करता है, जब वो मेच्योर हो जाएगा तब ही ब्रेक करेगा। ठीक, तो ये बात ही थी किसकी, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल सा था फ्रेगमेंटेशन, बातें आपको ये जरूर याद रखनी है, ये डिफरेंस, और फिर इसमें होता है कब होता है, एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला बात यह आता है कि ये बस प्लांट्स में ही होता है, ये आपको एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई आपसे पूछे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि न्यू प्लांट का ओल्ड प्लांट के पार्ट्स से बनना बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज किए। इसको डेफिनेशन इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे कि न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो ये प्लांट आखिर नया प्लांट कैसे बनाते हैं, तो ये प्लांट ना ओल्ड पार्ट्स होता है प्लांट का, उसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो बर्ड्स होते हैं ना वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, जब उनको सुइटेबल कंडीशन मिलता है। यहाँ पे सुइटेबल कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि अच्छा सा मॉइस्चर मिल जाए उनको, अच्छा सा टेम्परेचर मिल जाए, तो क्या करेंगे, अपने आप को ग्रो करने लगेंगे। तो ओल्ड प्लांट्स के पार्ट पे जो बर्ड्स है वो कौन से स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है, लेकिन जैसे ही उसको मिल जाएगा फेवरेबल कंडीशन जैसे मॉइस्चर वगैरह, तो वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा किस चीज में, एक नए प्लांट में। मैंने लिख रखा है कि इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स ऑन द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। जैसे गर्मी है तो हमारा जो घास होता है वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, उसके जो स्टेम्स होते हैं वो सूखे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही होती है बारिश तो कुछ दिन के बाद क्या देखते हो कि वो जो ग्रास येलो दिख रहा था अब वो कैसा दिखने लगा है, ग्रीन दिखने लगा है। वो किसके वजह से हो रहा है, वो हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के वजह से ही हो रहा है। जो ग्रास के हमारे ओल्ड और ड्राई स्टेम्स थे वो अब क्या हो गए हैं, हरे हो गए हैं, क्या बना दिए, एक नया। देखना कभी तुम ग्रास को लेके, उससे छोटे छोटे बर्ड्स निकले होते हैं तो उससे क्या बन जाता है, एक हमारा नया ग्रास बन जाता है, और हमें वो क्या है, ग्रीन ग्रीन दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, फेमस एग्जाम्पल इसका है ब्रायोफाइलम, और ब्रायोफाइलम के साथ साथ एक और एग्जाम्पल याद रख लेंगे, क्या, बेगुनिया। ठीक, ऐसा नहीं है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बस ये दो ही एग्जाम्पल है, मैं ये दो एग्जाम्पल किसकी दे रहा हूँ, बर्ड्स की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, BUDS, बर्ड्स फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम ये भी देखेंगे अभी आगे क्या, कि रूट से भी नए प्लांट बनते हैं, किसी किसी में स्टेम्स से नए प्लांट बनते हैं, लेकिन ब्रायोफाइलम की खास बात यह है ना कि इसके लीव्स में, पत्तों में, किसमें, इसके लीव्स में क्या होता है ना, बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं और उन बर्ड्स से एक नया प्लांट बन जाता है। तो आप क्या याद रखेंगे,
ब्रायोफाइलम को जरूर याद रखेंगे कि इसमें बर्ड्स डेवलप होता है कहाँ कहाँ। स्टेम्स में तो होगा ही, लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पे लीव्स में भी होता है और उसे फिर क्या बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं कि स्टेम्स और रूट से कैसे प्लांट बनते हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं यार कि किसी भी ओल्ड प्लांट के पार्ट से क्या बन जा रहा है, एक नया प्लांट बन जा रहा है। तो वो ओल्ड प्लांट का कौन सा पार्ट हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है, वो स्टेम भी हो सकता है। तो रूट और स्टेम दोनों से नए प्लांट बनते हैं। एग्जांपल देखेंगे हम क्या, जैसे हम लोग जो आलू खा रहे हैं, जो हम लोग पोटैटो खा रहे हैं, वो किससे बनता है, स्टेम से बनता है। और जो हम लोग स्वीट पोटैटो खाते हैं वो किससे बनता है, रूट से बनता है। कैसे, मैंने क्या बोला कि रूट और स्टेम से भी एक नया प्लांट बन जाता है। ये जो हमारा पोटैटो है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक पोटैटो है, और तुम आलू के ऊपर देखते होगे कुछ ऐसे बर्ड्स दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कहीं कहीं पे बर्ड्स दिखाई देते हैं। इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं। और यही बर्ड हमारा क्या है, एक न्यू पोटैटो देता है। जब भी आलू की खेती की जाती है तो आलू को कट किया जाता है, तो आलू को काटने के समय पे ये ध्यान दिया जाता है कि जो उसका आई है, जो उसका बर्ड है वो होना चाहिए। अगर मान लो तुमने आलू का इस पोर्शन को काट दिया और तुमने इसको क्या किया कि जमीन में लगा दिया, तो फिर वो नया आलू नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि नए आलू को बनने के लिए कौन जरूरी है, ये हमारा आई जरूरी है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि जो ट्यूबर होता है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम या रूट होता है। और वही ट्यूबर फूला हुआ होता है किसके वजह से, स्टोर्ड फूड की वजह से। जो पोटैटो तुम खा रहे हो इसमें क्या है, फूड ही तो स्टोर्ड है। जो तुम स्वीट पोटैटो खा रहे हो उसमें क्या स्टोर्ड है, फूड स्टोर्ड है। जो तुम ओनियन खा रहे हो, प्याज खा रहे हो, उसमें भी क्या है, फूड स्टोर्ड है कि नहीं है। एप्पल खा रहे हो उसमें भी क्या है, स्टोर्ड फूड ही तो खा रहे हो तुम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ट्यूबर में नंबर ऑफ बर्ड्स होते हैं। ये पूरा तुम्हारा क्या है, ट्यूबर, और इस ट्यूबर में नंबर ऑफ बर्ड्स होते हैं। और उन बर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं, आईज बोल रहे हैं। वही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, हमारे पोटैटो को, नया पोटैटो को ग्रो करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है क्या कि स्टेम से क्या बनता है हमारा पोटैटो, और रूट से क्या बनता है, स्वीट पोटैटो। ऐसा नहीं है कि बस यही दो हमारे वेजिटेटिव से आएंगे। मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल दे रखा है आपको, क्या, ब्रायोफाइलम एंड बेगुनिया के बारे में। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या, ओनियन लिख सकते हो, गार्लिक लिख सकते हो। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अभी आपको बस ये दो याद रह गया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन एंड टिशू कल्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।